क्लासरूम प्रोग्राम माँ मुझे सलाम है। मैं हूँ आपकी होस्ट उर्मिला मौसी। नाजीन, आज माँ का आलमी दिन है और दुनिया भर की तमाम माओ की तरफ से हम सफन टीवी की जानब से दिल की गहराइयों से सलाम करूँ, क्योंकि हम माँ को अपनी तरफ से बेहतरीन हिफाजत का जरिया समझते हैं और जब भी हम किसी हकीकत में मुसीबत या तकलीफ में होते हैं तो मुँह से यही सदा निकलती है, माँ या माँ जी। नाज़रीन, माँ ही वो हस्ती है जो अपने बच्चे को हर हाल में सुख और आराम में देखना चाहती है। बचपन में खुद जागती है लेकिन अपने बच्चे को आराम देती है ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। खुद तकलीफ बर्दाश्त करती है लेकिन हमें तमाम तकलीफों से रिहाई देती है। अगर हम सब अपने अंदर झांकें और अपने अंदर नज़र दौड़ाएँ तो माजी में माओ की कुर्बानियों का एहसास हो जाए। नाज़रीन, माँ ही वो शख्सियत है जिसकी तबीयत की दौलत आज हम सब यहाँ हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि माँ के पाँव के तले जन्नत है, और यह हकीकत है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आपका तारुफ मैं अपनी मेहमान से करवाती हूँ। मेरे साथ मेरी पहली मेहमान है सिस्टर रज़िया सैंबल और दूसरी मेहमान है मिस निदा सैंबल। सिस्टर रज़िया सैंबल का ताल्लुक सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से है जो कि सीनियर हेड नर्स हैं, और मिस दीदा सैंबल जो कि एक स्टूडेंट हैं और खुदा की खादिमा हैं। तो आइए नाज़रीन, इन मेहमानों से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज आप इस दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? का दिन माँ के नाम से महसूस किया जाता है। वैसे तो सारे ही दिन हमारी माँ के लिए होते हैं क्योंकि हमें पैदा करने वाली, हमें पहला दर्श देने वाली माँ की ग्रोथ होती है। आज के दिन के हवाले से मैं ये कहूँगी कि जिनकी माएँ हैं खुदा उनको ज़िंदगी दे, और जिनकी नहीं हैं खुदावंद उनके साथ हो, और वो हमारे लिए इतना कुछ कर गईं कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। दीदा, आप अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वाकई आज माँ का दिन बहुत ख़ास दिन है, और माँ एक ऐसी हस्ती हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में खुदा के बाद अव्वल दर्जा रखती हैं, हमें पालती हैं और हमारी हर एक चीज़ की केयर करती हैं, खाने पीने की, उठने बैठने की, और हमारी हर टाइम हमारी केयर करती रहती हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे लिए प्रेयर करती हैं, हमारे आने से पहले हो हमारे लिए खाना रेडी करती हैं। तो माँ का मेरा नहीं ख्याल कि लाइफ में अगर माँ के अलावा अगर कोई है जो हमारी इतनी केयर करता हो, एक खुदा है हमारी ज़िंदगी में जो हमारी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, और खुदा के बाद हमारी माँ है जो हमारी ज़िंदगी के लिए हमारी एक एक हर एक ए टू जेड हमारी जितनी भी हमारी लाइफ है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा और केयरफुल रहती हैं। और जब हम किसी भी काम के लिए बाहर जाते हैं तो हमारे लिए प्रेयर करती हैं वो, और हमारी सारी जितनी भी पूरी लाइफ है हमारी माँ की वजह से। आज हम जो कुछ भी हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर वो अपनी माँ की वजह से हैं, और इसलिए मैं जिनकी माएँ उनके सर पे नहीं हैं मैं दुआ करूँगी कि खुदा उन्हें भी अमन और तसल्ली दे, और जिनकी हैं खुदा उनकी माओं को बहुत लंबी ज़िंदगी दे। आपसे सवाल है कि आप मेडिकल के शोबा से वाबस्ता हैं तो मुख्तलिफ औकात में ड्यूटियाँ करना, कभी इवनिंग कभी मॉर्निंग कभी नाइट, आप किस तरह से बच्चों की देखभाल करती हैं? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से ड्यूटी के औकात में टाइम निकालना। ये तो आपने मैडम रवीन बहुत सही बात की, हम ड्यूटी करते हुए वाकई हमें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। कभी हम इवनिंग में जा रहे होते हैं, कभी हम मॉर्निंग में जा रहे होते हैं, हम कभी अपने बच्चों को किसी के यहाँ छोड़ते हैं, कभी किसी के। जब हम ड्यूटी पे भी होते हैं तो हमारे जहन अपने बच्चों की तरफ होते हैं, पता नहीं किस साल में हमारे बच्चे हैं, हम ड्यूटी भी कर रहे होते हैं और उसके बावजूद हम अपने बच्चों की केयर भी कर रहे होते हैं। इसलिए कि खुदा ने हमें माँ बना के इतना बड़ा रुतबा दिया कि हम उन बच्चों को पाल सकें, ये हमारी एक ज़िम्मेदारी, हमारी एक ड्यूटी थी कि हम उन्हें अच्छी तरबियत दे सकें, हम उनके लिए अच्छा कमा के उनको अच्छी परवरिश दे सकें, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकें। और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे इस शोबे में, इस जॉब में या इस मतलब इनकम में बहुत अच्छा रखा कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, मैंने अपने बच्चों को ट्रेनिंगें करवाई। आज मेरे बच्चे, खुदा उनका शुक्र है कि वो भी जॉब कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब हमारी माएँ ज़िंदा होती हैं तो वो हमारे लिए दुआ करती हैं, जब हम
अपने लिए सब भूल जाते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं। जब भी हम दुआ करते हैं तो अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगते हम खुदा से, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए मांगते हैं कि हमारे बच्चों को ये भी दे, हमारे बच्चों को ज़िंदगी भी दे, तंदुरुस्ती भी दे, और वो बड़े हों और खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते जाएँ। तो मैं ये कहती हूँ कि किसी ने क्वेश्चन किया था कि जब जिनकी माएँ मर जाती हैं उनके लिए दुआ कौन करता है, तो उसका आंसर ये है कि किसी ने कहा कि जब समंदर की रेत खुश्क हो जाती है, समंदर खुश्क हो जाता है तो रेत फिर भी नम रहती है। जब हमारी माएँ दुनिया में नहीं होती तो फिर भी वो दुआएं हमारे साथ रहती हैं और वो दुआएं हमारा पीछा कर रही होती हैं। तो इसलिए मेरी दुआ है कि जब तक जिनकी माएँ जिंदा हैं उनकी बहुत इज्जत करें, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करें, क्योंकि माँ के बगैर हम कुछ नहीं हैं, ये एक अनमोल तोहफा है। और जब तक हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, जो उनसे हासिल कर सकते हैं वो करें, क्योंकि ये नेमत जब चली जाती है तो वापस उसके नेमत बदल कभी कुछ आपको नहीं मिलता। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद सबकी माँओं को ज़िंदगी दे ताकि अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकें। सिस्टर रज़िया, आपकी रेत की मिसाल तो बहुत आला है, हम सबको यकीनन अपनी माओं के लिए इसी तरह से ही सोचना चाहिए। मैं मिस निदा से ये सवाल करती हूँ कि आपकी जो वालदा हैं, आपको उनकी सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है? जी, मुझे उनकी सबसे अच्छी आदत ये लगती है कि वो खुद भी खुदा में हैं और उन्होंने हमें मसीह तालीम से बहुत ज़्यादा अवस्था रखा है, और हर टाइम वो हमें खुदा के बारे में हमें तालीम देती रहती हैं। सिस्टर रज़िया, आप हमें ये बताएं कि आपने अपना जो बचपन है वो अपनी माँ के साथ कैसा बताया? अपनी माँ के साथ अपना बचपन बहुत अच्छा गुजारा। मैं अपनी माँ की बहुत लाडली थी, मेरी माँ ने मुझे कभी काम नहीं करने दिया था। मेरी माँ एक अनपढ़ औरत थी, पर उन्होंने इतनी मेहनत हमारे लिए की कि आज मैं जिस स्टेज पे हूँ मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। आज मैं 17 ग्रेड में हूँ और खुदा ने मुझे हर नेमत से नवाजा हुआ है। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा, उसके बाद मैं अपनी माँ की थैंकफुल हूँ कि मेरी माँ ने अनपढ़ होते हुए हम सब बहन भाइयों की अच्छी परवरिश की और हमें इस स्टेज पर लाई कि हम आज इतनी सारी नेमतों और बरकतों में है। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मेरी माँ को इतनी ज़िंदगी दी कि उसने हमारे लिए बहुत मेहनत की, हमें पढ़ाया, ट्रेनिंग करवाई, और हर ख़ास तौर पे मैं अपनी माँ की थैंकफुल कि मेरी माँ ने मुझे कुकिंग बहुत अच्छी सिखाई। आज मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, इसलिए मैं अपने ससुराल में अपने मेके में कुकिंग की वजह से बहुत मेरी इज्जत है और सबको मेरी कुकिंग बहुत पसंद है। और मैं थैंकफुल हूँ कि मेरी माँ इस चीज़ को बहुत अच्छा करती थी और उनकी अपनी कुकिंग बहुत अच्छी थी। वालिदा से अब तक नहीं कह सकी, और आज आपके पास ये मौका है कि आप अपने इस टीवी चैनल के जरिए उनसे आप कह सकती हैं। मैं अपनी मामा से यही कहना चाहूँगी कि मेरे डैड नहीं हैं, वो 7 ईयर्स पहले उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये 7 ईयर्स मेरी मामा ने हमारे लिए जितनी भी स्ट्रगल्स की हैं उन सब के लिए मैं उनकी बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ की सारी कुर्बानी हमारे लिए, अपनी पूरी ज़िंदगी जो ये 7 साल उन्होंने अपने शौहर के बिना और हमारे साथ इतना अच्छा तावन किया, और पापा की हमें कभी भी महसूस नहीं होने दी किसी भी जगह पे। और मैं उनकी बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने हर जगह पे मुझे अप्रिशिएट करती हैं, बाहर कहीं भी वो मुझे हर जगह पे अप्रिशिएट करती हैं। बहुत अच्छी वो मेरी एक फ्रेंड भी हैं, और हर टाइम मैं उनके साथ अपनी हर एक बात शेयर करती हूँ, इवन के मेरी बाहर भी कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। तो मैं अपनी लाइफ में सबसे बड़ी अपनी मामा को अपनी फ्रेंड मानती हूँ, उनसे अपने हर दिल की बात शेयर करती हूँ। और मैं खुदा से, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ, मेरी मामा बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। हम एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाय, आई एम सोनिया डूस फ्रॉम हांगकांग। टुडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर ऑल मदर्स, सो आई वुड लाइक टू ग्रीट हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स अराउंड द वर्ल्ड on behalf of Hum Sokkan TV channel. Unfortunately, I lost my mom when I was 13 years old, and for that day until now, I am longing for affections of my mother's love and hugs.
I really missed her and I love her so much. Since then, I am feeling that mother is the only shelter of a daughter. And after the death of my mother, I couldn't find the shadow of one's mother's love and affection. Again, to all mothers around the world, and to you, my mother, happy Mother's Day. Love you. Hi, I'm Sarah Ndoro from Mombasa, Kenya in Africa. Today is a special day for all our mothers. I would like to pass my greetings to Happy Mother's Day to all mothers around the world on behalf of Humsukan TV channel. I thank God for my mother. She's still alive and loving and caring, because at my tender age, she had a serious road accident and almost lost her right leg. I thank God for her life, and I love my mother so much, and I love all the mothers in the world. Thank you. Hi, this is Luella from Philippines. I am very blessed to have a strong and loving mother, and I am very thankful for everything that she has done for me, my siblings, and to our whole family. In behalf of Humsukan TV channel, I would like to say Happy Mother's Day to all the mothers in the world. Hi, my name is Therese and I'm from Hong Kong, and I would like to wish everyone a very happy Mother's Day. In this difficult situation around the world now, it is more important than ever to express your gratitude towards your loved ones. And for me, I'm very thankful to have my biological mother as well as my helper as a mother figure in my life, as they have sacrificed and given so much to me. And I would like to acknowledge everyone out there who is a mother or is a mother figure, because you are the backbone of everyone in this world. आपने देखा कि माँ के बारे में दुनिया के हर शख्स की फीलिंग जैसा है। खुदा ने माँ का रिश्ता ही ऐसा बनाया है कि इसमें प्यार, मोहब्बत, कुर्बानी और सर्व करना है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मैं सिस्टर रज़िया सैमुअल आपका और सिस्टर निदा आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। और आखिर में एक मरतबा फिर मैं दुनिया की तमाम माओं को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ, और इसी के साथ अपनी मेज़बान रुबीना मौसम को इजाज़त दें। खुदा हम सबका हमें हासिल हो। शुक्रिया।